मान लीजिए आपके पास z इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको पूछा गया है कि व्हाट इज़ इट्स रेसिप्रोकल। आप इसका रेसिप्रोकल कह दीजिए या इसका इन्वर्स कह दीजिए, दैट इज़ z इन्वर्स और 1/z, दोनों एक ही बात होगी। ये हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं कि जब हम z में इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है मॉड्यूलस जेड स्क्वायर। अब इसी को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को जेड इंटू मॉड्यूलस जेड स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। हमने RHS LHS दोनों को जेड इंटू मॉड्यूलस जेड स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो इस साइड तो ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा और इस साइड इस मॉड्यूलस जेड स्क्वायर से मॉड्यूलस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा, यहाँ से बचेगा कॉन्जुगेट जेड डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस जेड स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर ऊपर न्यूमिनेटर में खाली 1 बचेगा जबकि डिनोमिनेटर में आएगा जेड, तो 1/z, यही हमें फाइंड करना था। दिस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ जेड। सो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप आसानी से जेड का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। अगर हम इसको यूज़ करें तो हमारे पास जो रेसिप्रोकल है ए प्लस आई बी का वो क्या आएगा देखते हैं। तो 1/z इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड्यूलस जेड स्क्वायर। यहाँ पर हम कॉन्जुगेट ऑफ जेड की जगह ए माइनस आई बी लिख सकते हैं क्योंकि ए प्लस आई बी का जो कॉन्जुगेट होगा वो ए माइनस आई बी होगा और यहाँ पर मॉड्यूलस जेड स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सो इससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं।